वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। इस देश में लड़ाई किस चीज की है जानते हैं? लड़ाई चल रही है नैरेटिव की। मंदिर, मस्जिद, पत्रकारों को नहीं करना चाहिए, यही लहर थी ना। लेकिन पत्रकार अगर मुसलमान हो तो क्या बोलेगा, हिंदू हो तो क्या बोलेगा? अगर किसी समुदाय को नमक हराम बोल दिया जाए तो उस समुदाय के पत्रकार को कैसा रिएक्ट करना चाहिए, कैसा जवाब देना चाहिए? ये देश सबका है और रहेगा, हम तो ठोक बजा के बोलते हैं, लेकिन जिसने इस देश की स्थापना की उनको कौन सा हक मिलना चाहिए, यह आप बताना। उससे पहले आप आज की चोचक खबर, आज की रोचक खबर सुन लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तनवीर शर्मा। जफरुल इस्लाम, इस शख्स का नाम आप शायद बार बार सुन चुके होंगे। इस शख्स ने एक बार फिर अपनी हिंदू घृणा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने मथुरा को लेकर हिंदुओं को नमक हराम बताने की कोशिश की है, साथ ही कहा है कि मथुरा में हिंदुओं को उनका हिस्सा मिल चुका है। और ध्यान रहे, ये वही शख्स है, ये वही इस्लाम है जिनको दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने हिंदुओं को अरब की धौंस दिखाई थी, और अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों को पालते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की क्या बात करें, वो ताहिर हुसैन जैसे लोगों को विधायक बना देते हैं, अमनतुल्ला खान जैसे दंगाइयों को विधायक बना देते हैं, और अब ये जफरुल इस्लाम जो कि हिंदुओं को नमक हराम बता रहे हैं उन्हीं के देश में। अब आप ये देखिए, एक गैजेट, एक मिली गैजेट नाम से एक मीडिया संस्थान भी ये चलाते हैं जफरुल इस्लाम, इसके वो संस्थापक और संपादक भी हैं। ये संस्थान गोधरा में राम भक्तों को ट्रेन में जिंदा जलाए जाने वाली घटना को भी जायज बताने की कोशिश कर चुका है। जी हाँ, जहां पर कार सेवक एक ट्रेन के बोगे में जा रहे थे और मुसलमानों ने उनको जलाया था, इस घटना को जायज बोल रहे हैं जफरुल इस्लाम। जफरुल इस्लाम ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया है। इसमें मौर्य के उस ट्वीट का जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था, अयोध्या काशी में भव्या मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। साथ ही इस्लाम में लिखा है कि यह धोखा है, हिंदुओं ने पहले ईदगाह की जमीन में अपना हिस्सा ले लिया है और एक समझौते के तहत मथुरा में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया है। इस समझौते का हवाला देकर एक तरह से हिंदुओं से कहने की कोशिश की गई है कि तुम सन 1670 की बात मत करो, इसी साल औरंगजेब ने मथुरा पर हमला कर केशव देव मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और उसके ऊपर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी। इस जगह के कृष्ण जन्मभूमि होने के तमाम साक्ष्य हैं दोस्तों, आप जब वहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि तमाम ऐसे सबूत हैं, तमाम ऐसे प्रूफ हैं जहां पर पता लगता था कि यहां पर कृष्ण मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन इन साक्ष्यों को उसी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है जैसे अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक होता रहा था, और यह होता रहेगा दोस्तों। दरअसल श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दाखिल किया था, लेकिन 1968 की तत्कालीन परिस्थितियों में शाही ईदगाह कमेटी और श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट के बीच एक समझौता हो गया। इसके अनुसार जमीन ट्रस्ट के पास रहेगी और मस्जिद के प्रबंधन का अधिकार मुस्लिम कमेटी को दे दिए गए। उसमें मुस्लिमों को शाही ईदगाह मस्जिद के प्रबंधन के अधिकार जो थे दे दिए गए थे, लेकिन इस समझौते को आधार बनाकर अब दावा किया जा रहा है कि ईदगाह मस्जिद पर पहला जो दावा है वो श्री कृष्ण भक्तों का नहीं है, वो हिंदुओं का अधिकार नहीं है उस जमीन पर, वहां पर अधिकार मुसलमानों का है। अच्छा, कभी आपने देखा है किसी मस्जिद में मंदिर मिला हुआ हो, या ऐसी कोई जगह हो जहां पर एक मस्जिद बनी हो और वहां पर साइड में एक मंदिर बना हो? इतिहास गवाह है किसने शांति से रहना चाहा है और किसने लुटेरों और गुंडागर्दी की तरह रहना चाहा है, कौन कोशिश करता था इस तरह से रहने की, किसने कितनी मस्जिद तोड़ी, किसने कितने मंदिर तोड़े। अब जब बात आ ही रही है उस कब्जे को हटाने की, तो किसकी बात माननी चाहिए, किसका हक मानना चाहिए, किसका देश था, किसके देश में कौन आया, किसने क्या तोड़ा, ये बात आप भलीभांति जानते हैं, और यही बात हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और बताइए इस खबर को सुनकर आपको कैसा लगा। आप देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।